My favorite four hijab size using a regular cap, a bandana, bucket hat, and one of my favorites, which is beanie cap. So yes, let's get started. For a beanie cap, I'm gonna be using this hijab, which is ombre shade, और इसको मैं अपने सर पे पहनने वाली. बट उससे पहले लेट मी शो यू समथिंग व्हाट आई एम वेयरिंग इनसाइड. आई एम वेयरिंग अ हिजाब कैप जो कि नॉर्मल वाले रेगुलर कैप से बहुत ही अलग है. ये इसके अंदर थोड़ा सा स्लिट है ईयर के पास ताकि हम मास्क वगैरह अच्छे से पहन पाए. लेट मी शो यू गाइस, लेट मी शो यू. ओके, सो ये यहाँ से आप देख सकते हैं जो स्लिट है, यहाँ से हम अपना मास्क हो गया, ईयरफोन हो गया या स्टेथोस्कोप हो गया, हम इसे पहन सकते हैं. ये कैप अवेलेबल है मेरे वेबसाइट पर. जितने भी स्कार्फ मैं पहनने वाली हूँ सारे मेरे वेबसाइट पर आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, और मेरे वेबसाइट की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी. सो येस, लेट्स गेट स्टार्टेड विथ माई फर्स्ट लुक जो कि है ये ओम्ब्रे हिजाब के साथ में. सो येस, मैं अब अपनी एक बीनी कैप मैंने वाली, बट उससे पहले लेट मी शो यू कि इसका मैंने दोनों साइड्स इक्वल लेंथ में रखा है, और अब मैं इसके ऊपर एक बीनी कैप पहनने वाली हूँ. ये मेरी फेवरेट वाली है, मेरे पास बहुत सारी बीनीज है, बट दिस वन इज माय फेवरेट. आप इसे अच्छे से पहन ले ऐसे. ओके, सो इसे मैं यहाँ से अंदर डालने वाली हूँ. आप इसे ऐसे भी रख सकते हैं अगर आपको इसे यहाँ से राउंड करके लाना है और यहाँ पर टक कर देना है, तो आप इसे ऐसे भी पहन सकते हैं. और इसके और भी तरीके हैं पहनने के, लेट मी शो यू. अगर आपको इसके दोनों साइड्स को ऐसे रखना है तो आप इसे ऐसे भी रख सकते हैं. मैं आपको बताती हूँ, अगर आप इसको, ये मेरा पर्सनल फेवरेट वाला है, मैं इसे ऐसे यहाँ से फैला दूंगी और फिर जो नीचे का पार्ट है उससे मैं नॉट मार दूंगी, एंड ये बहुत ही अच्छा लुक देता है. आप देखोगे अभी ऐसे. ये बीनी के साथ हमने ये फर्स्ट लुक क्रिएट किया है. अब हम चलेंगे अपने रेगुलर हिजाब स्टाइल के साथ. लेट्स गो. So for the second look, I'm using this chocolate brown hijab from my collection. Oops. Yes, this is from my collection. और मैं आपको इसमें regular hijab cap style बताने वाली हूँ. So सबसे पहले मुझे एक cap चाहिए और मैं इसे पहनूंगी ऐसे. इसको अपने सर के हिसाब से adjust करनी है, and एक shorter side लूंगी, एक longer side लूंगी, and then मैं इसे यहाँ से अंदर की साइड से आई विल जस्ट रैप इट अराउंड माई नेक, और यहाँ पर आकर मैं इसे ऐसे. ये ऐसे पहन सकते हैं हम लोग. अगर आपको इसका दूसरा स्टाइल देखना है तो मैं वो भी बता देती हूँ. हम इसे यहाँ से लेकर ऐसे यहाँ पर पिन लगा लेंगे. सो ये पार्ट उसका लॉन्गर रहेगा और यहाँ से आपका पूरा चेस्ट कवर हो जाएगा. सो ये भी एक बहुत ही कूल लुक देता है आपको. एंड फॉर द थर्ड स्टाइल, आई एम गोना बी यूजिंग दिस वाइट हिजाब जो कि थर्ड और फोर्थ लुक दोनों के लिए काम आएगा. वाइट हिजाब्स आर ऑलवेज माई फेवरेट. आई डोंट नो अबाउट यू गर्ल्स, बट अगर आपका कोई भी फेवरेट हिजाब कलर है तो आप इसे कॉमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताना. एंड इससे मैं करने वाली हूँ बकेट हैट लुक. सो येस, लेट्स बिगिन. सो ये बकेट हैट के लिए मैंने एक साइड शॉर्टर लिया है, एक साइड लॉन्गर लिया है, और मैं इसे अपने नेक के यहाँ से अंदर लेके जाकर यहाँ पर रख दूंगी, और इसके ऊपर मैं एक बकेट हैट पहन लूंगी. ओके, और ये जो इसे ठीक से एडजस्ट करना है और इसे ऐसे ही छोड़ देंगे हम, तो ये हो जाएगा आपका बकेट हैट लुक. आई होप आपको ये वाला स्टाइल ज्यादा अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है.
फॉर द फोर्थ लुक विच इज आर बंडाना लुक. उसके लिए हमें चाहिए एक बंडाना और उसे हम एक शॉर्टर साइड ऐसे और लॉन्गर साइड रखना है. उसके लिए पहले मुझे अपना हिजाब खोलना होगा और दोनों साइड्स को मैं इक्वल रखूँगी एंड देन ये बंडाना को मैं अपने हेड पर प्लेस करूँगी ऐसे और इसे पीछे से अंदर डालकर नॉट कर लेना है. और इसका जो एक साइड है वो मैं इसे यहाँ डाल दूंगी और ये हो जाएगा मेरा बंडाना लुक तैयार. आप इसे यहाँ पर भी डाल सकते हैं ऐसे. आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा. ये बहुत ही सिंपल और बेसिक हिजाब स्टाइल्स है जो कि हर कोई स्टाइल कर सकता है इजीली. और अगर आप इनमें से कोई भी लुक ट्राई करोगे तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूले. सी यू गर्ल्स इन माई नेक्स्ट वीडियो. आई विल बी कमिंग अप विद मेनी मोर अदर स्टाइल्स. सो येस, मुझे बताते रहिए कि मुझे और कौन से स्टाइल करनी चाहिए. And I'll just come up with that video. So see you soon. Bye bye.